जनपद में गौवंशों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी श्री घनश्याम मीना ने एक नवाचारी पहल की शुरुआत की। उन्होंने सुमेरपुर स्थित काना गौशाला में गुड़ बैंक का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य ठंड के मौसम में गायों को सेहतमंद रखना है। अब तक गुड़ बैंक में 2 क्विंटल से अधिक गुड़ एकत्रित किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने कहा कि उनका लक्ष्य है कि अधिक से अधिक गुड़ इकट्ठा किया जाए, ताकि सभी गौशालाओं में संरक्षित गायों को इसका लाभ मिल सके। आज काना गौशाला सुमेरपुर में गुड़ बैंक का हम लोग ने प्रोग्राम है उसको शुभारंभ किया है। इसके अंतर्गत जितने भी हमारे जो जनपद के अधिकारीगण हैं, उन सब ने एक हम लोग ने रणनीति बनाई है कि सब लोग बढ़ चढ़ कर जो गुड़ हैं स्वेच्छा से जितनी हमारी गौशाला है उनमें दान करें। इसी क्रम में आज 2 क्विंटल जो गुड़ है उसमें गायों को इस गौशाला में वितरण किया गया है, और अभी वर्तमान में हमारे पास 10 क्विंटल जो गुड़ है वो इकट्ठा हो गया है, जिसमें हमारे विभिन्न जो कर्मचारी हैं उन्होंने उसका दान किया है। और इसी क्रम में जितने भी हमारे जनपदवासी हैं और जो हमारे बाकी जो कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनसे भी मैं आह्वान करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके स्वेच्छा से जो गुड़ है उसको दान करें, ताकि हमारी जो गायें हैं जो गौशालाओं में हैं उनको हम लोग इससे लाभान्वित कर सकें। और बहुत अच्छी सकारात्मक पहल है, इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और ये अच्छी पहल है, क्योंकि हम लोग जैसे इंसान है, इंसान सब कुछ खा लेता है, अपनी बात कह लेता है, लेकिन जैसे जानवर है अपनी बात कह नहीं पाता। तो अच्छी चीज़ है, कम से कम एक अधिकारी के दिमाग में चीज आई और उसने इस चीज़ को सोचा और उस चीज़ को अपने आप से प्रयास करके सभी अधिकारियों के द्वारा, सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा, सभी मतलब एक आम पब्लिक के द्वारा इसको एक जन आंदोलन बनाने का प्रयास किया। नेशन मिरर के लिए बुंदेलखंड ब्यूरो चीफ स्वनेश कुमार की रिपोर्ट।